नियुक्ति से जुड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब मिला है। जवाब में सरकार ने सिर्फ एक लाइन लिखा है कि सोनी कुमारी के मामले के वजह से इनकी नियुक्ति जो है लंबित है, उसकी वजह से ये नहीं हो पा रही है। सरकार ने ये जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ही भ्रामक है, क्योंकि सोनी कुमारी का फैसला आने से पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि पंचायत सचिवों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। जब यह फैसला आया उस समय भी जो WPC 1387/2017 हाईकोर्ट का आदेश आया है, उसने स्पष्ट कहा कि इनकी चयन प्रक्रिया इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी, इनकी सिलेक्शन प्रोसेस उसे भी इनकी चयन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने एक ही चाकू में सबको करके सारी नियुक्तियां रोक दी। पुनः ये लोग न्यायालय गए, पुनः जब न्यायालय के अध्यक्ष महोदय हाईकोर्ट ने तो फिर कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक रीजन ऑर्डर जो है पास करे आठ सप्ताह के अंदर, ताकि पंचायत सचिव है इनकी नियुक्ति हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, जब इन लोगों ने रोक दिया एक ही चाकनी में सारी नियुक्तियों को, फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है एक रीजन ऑर्डर पास किया अध्यक्ष महोदय। वो रीजन ऑर्डर का जो है सार है कि परीक्षा फल के गठन से सदन के सभी विकल्पों का परीक्षण कर परीक्षा फल गठित कर एवं प्रकाशित किया जाएगा। ये उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के पास कहा कि हम परीक्षा फल प्रकाशित करेंगे अध्यक्ष महोदय। फिर इसके बाद सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा ये 16 जुलाई 2021 को कि भाई परीक्षा फल प्रकाशन हेतु आयोग के पास यदि कोई फार्मूला है तो आयोग इसे अवगत करा सकता है। पुनः इसके जवाब में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 23 जुलाई 2021 को अध्यक्ष महोदय प्रधान सचिव कार्मिक को पत्र लिखा कि राज्य के सभी 34 जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए, जो मूल आशय था सोनी कुमारी के जजमेंट का कि सभी 24 जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए समान शर्तों के अधीन परीक्षा फल का प्रकाशन किए जाने की संस्तुति किया जाता है। उपरोक्त विकल्प परीक्षा की प्रक्रिया को मंत्री का उत्तर सुन लीजिए, मंत्री का उत्तर सुन लीजिए। आपका जो मूल प्रश्न है आपको मिला है, इसी में आप पूछ रहे हैं, उसी में पूरा पूछिए ना, उसी में पूरा पूछ रहे हैं, पूरा पूछिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया परीक्षा की जो प्रक्रिया उसको दूषित नहीं करता है, बल्कि ऐसा किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के 1387/2017 के न्याय निर्णय के अनुरूप होगा और परीक्षा फल प्रकाशन के लिए अपरिहार्य है। अतः आयोग की संस्तुति पर अपनी सहमति सरकार दे। सरकार क्या कर रही थी कि हम JPSC हो GFC हो संस्थाओं को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनको करने दे रहे हैं। तो हमारा पूरक यही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो कहा है परीक्षा फल के लिए आप उसे सहमति दे रहे हैं, आप कुंडली बना करके क्यों बैठे हुए 3 महीने से। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला जो है 2017 का है, जब जो है विगत सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसके तहत पंचायत सचिवों का नियुक्ति के लिए 1/2017 और 2/2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें एक बिंदु रहा जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया यहाँ के पंचायत सचिव के बच्चों को, काफी तक हम लोग ने उसका रिजल्ट नहीं कर पाए या नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। ये कारण ये था कि 13 और 11 जिला, तो जब ये बात आई कि जब नियमावली बनी तो 13 अनुसूचित जिला में रिक्त पदों की संबंधित जिला के अभ्यर्थि ही आवेदन दे सकता है। साफ तौर पर था कि 13 शेड्यूल जिला जो है वो तो दूसरे जिला के लोग या दूसरी जगह के लोग उसमें नहीं जा सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाद में सोनी कुमारी का मामला जो हमारे विनोद जी बोल रहे थे वो मामला आया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और इस तरह की बोले कि आप कर सकते हैं। देखिए कंट्रोवर्सी कहां पर है कि जब अगर हम 13 जिला का रिजल्ट आउट करते हैं तो कोई तो बोलेगा उस पर जाकर, यहां पे पहले ही उस पर अनुबंध लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए थे, दूसरा जगह का नहीं हो पाएगा।
तो ये सारी प्रकृति में है और हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं, सदन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, ये सारे बिंदुओं को हम लोग दिखा रहे हैं। हमारे भी संविधान है उन अभ्यर्थी के लिए, उन सारे लोगों को नियुक्ति हो, लेकिन कुछ ऐसे मैच है जिसके लिए हम लोग सविनय रूप से इसको हम नहीं ला सकते हैं। और सोनी कुमारी के जो खारिज किया गया था उसके आवेज में हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए, इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए, हम लोग देखते हैं कैसे उसको निकाला जाए। नहीं ओके, और क्या अब तो जवाब आप ही बता दें। देखिए मान्य सदस्य आपका जो विषय आया प्रश्नों के माध्यम से या आपने बोलने के क्रम में जो बात कर रखी है, एक मिनट सुन लीजिए मान्य सदस्य। नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मान्य सदस्य, ऐसा ही तो एक तरह का धमकी होगा। नहीं ये सब आदत से बाहर जाना चाहिए, हम लोगों को विश्वास करके हमने जनप्रतिनिधि है, तुरंत आतंक को चुनौती दे दीजिएगा, चैलेंज कर दीजिएगा, ये सब ठीक ठीक हम नहीं मान रहे। आप स्वतंत्र हैं, आप बात रखते हैं, आप बात में चलिए एक मिनट मान्य सदस्य, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, हम आप ही को सहयोग कर रहे हैं, आप ही को हम सहयोग ये कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी आपसे समय मांगे कि हमको कुछ समय दे दीजिए। आपने जिस पंचों का उल्लेख किया, जिस पंचगी का उल्लेख किया, उसको निराकरण करने के लिए कुछ समय, यही बात हम सहयोग कर रहे हैं। मैंने पेचों का उल्लेख नहीं किया, मैंने पेचों के उल्लेख में बताया है कि उसके बाद डिसीजन ऑर्डर निकला है। आपने कल कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है क्या जेपीएससी हो जेएससी हो हम हस्तक्षेप नहीं करते, तो हमने कहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं, आपने मांगा है। मैं 13 जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग भी नहीं कर रहा हूँ, यदि कि आधे जिलों में हो आधे जिलों में नहीं हो, पूरे राज्य में नियुक्तियां हो। और तब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि भाई 2400 जिलों में ऐसे नियुक्तियां होगी और जो हाईकोर्ट का न्याय है उसका भी पालन होगा और ये परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित नहीं करेगा। ये आपका ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का आदेश का पत्र है, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बोले, मैं वापस ले लेता हूँ अपनी बात। आप कहा कि 13 जिला में जो हमारे विसंगति है अगर हम उस पर जाते हैं तो दूसरा कोई कोर्ट नहीं जाएगा, आप समझिए। इसीलिए हम रास्ता निकल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल को न्यायालय में क्या होगा उसकी इतनी चिंता है, आज अभी न्यायालय ने क्या कहा है, आज जो ऑर्डर तारीख हुआ, तो हमारा सिर्फ यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो फॉर्मूला सुझाया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, वो कह भी रहे हैं कि उससे न्याय का पालन होगा, तो क्या सरकार उस पर तुरंत निर्णय लेकर के उसको संस्तुति देगी? माननीय मंत्री जी, हमने साफ शब्दों में कहा कि अभी जो है कि अभी हाल के बाद हम बता रहे हैं, वर्तमान में ओम कपूर 34/82/2020, बात संख्या 2016-21, विज्ञापन संख्या 117-217 से संबंधित मंगनी झारखंड उच्च न्यायालय में फिर विचार दी, फिर वो ठीक किया। तो सारे चीजों को तो वही पर आइए, जब भी हम आगे बढ़ते हैं कुछ न कुछ किया, वो झारखंड का नियति बना हुआ है, इसलिए हमें समय दिया जाए, हम इसको देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इसको न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाया है, इसीलिए कह रहे हैं कि कल के भी आप अपने को रहते हैं कि हम जो परीक्षा संचालन संस्थाएं हैं उनको स्वायत्ता दे रहे हैं, आक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो फॉर्मूला दिया है उसको सरकार विचार करे, उसको संस्कृति दे, ताकि नियुक्तियों का दरवाजा खुले। हमारा पुनः आग्रह यही होगा मंत्री महोदय। भानु जी बच्चे माननीय मंत्री जी, इसमें और कुछ ठीक है मेरा ज्यादा बढ़ने दी सरकार निर्णय लेगी, इस पर विचार करेंगे, पहले ही बोले। चलिए।